ये तो कैसे लचकल मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर। तो भाई साहब नया अपडेट हमारे गेम के अंदर आ चुका है एंड उसके बाद सुपर ड्रैगन तो भाई साहब बर्बाद कर दिया सुपर सेल ने। सुपर ड्रैगन अब तो दिखते ही नहीं है भाई साहब मेरे को, लेकिन जो हमारे हॉग राइडर्स है वो तो भाई साहब अभी के अभी वैसे ही है। तो भाई साहब आज के टूर्नामेंट मैच के अंदर हम लोग हॉग राइडर्स का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे भाई कितने पावरफुल है अभी भी। के भाई साहब हमारी साइड से पहले अटैक यहाँ पे तैयब भाई ने चालू कर दिया है नंबर 4 के बेस के ऊपर। क्लैशर सॉलिड टीम के साथ हमारी यहाँ पे मैच लग चुकी है और तैयब भाई फिलहाल यहाँ पे कर रहे क्वीन चार्ज लावा लून आर्मी के साथ अटैक, जहाँ पे सिर्फ एक लावा हॉन्ड लिया है इन्होंने। आओ गाइस ये वाला अटैक देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो भाई ये एक बहुत ही कॉमन सा बेस लेआउट है, बहुत दिमाग खराब करने वाला बेस लेआउट है भाई ये वाला, कॉमन ही है पर दिमाग खराब करता है। लेट्स सी गाइस क्या कर सकते थे ये भाई इस बेस के ऊपर। एक सिंगल इन्फिर्नो रखा गया टाउन के पास, बार्बेरियन किंग को भी डिप्लॉय कर दिया किंग के साथ, वाह भाई साहब। लेट्स सी क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ओके बुड्ढे की एबिलिटी दे दी जिससे कि बार्बेरियन के बच्चे बच सके, बार्बेरियन किंग के बच्चे आई मीन, ओके मतलब मम्मी कौन है भाई इनकी। चलो गाइज अभी यहाँ पे फिलहाल एक और वॉल ब्रेक करके क्वीन को दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर लेके जाने की कोशिश हो रही है। अरे यार नहीं जा रही भाई। चलो रेड स्पेल डिप्लॉय कर दिया क्वीन के ऊपर यहाँ पे और हिलर्स के ऊपर, जिससे कि क्वीन वापस अपनी हेल्थ फुल रीगेन कर चुकी है। लावॉन निकल चुका है सीसी के अंदर से, आरसी की एबिलिटी यूज हो चुकी है, क्वीन आ चुकी है नए वाले कंपार्टमेंट के अंदर, पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल कर लिया। अरे बाप रे, ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक क्वीन चार्ज भाई, एकदम खतरनाक। देखो क्वीन को कहां से कहां लेके गए भाई साहब, दो मल्टी खा गए, ईगल खा गए, सीसी खा गए, एनिमी का किंग खा गए, अभी बस क्वीन के साथ इनको टाउन हॉल खा जाना है एंड बचा हुआ बेस लावालून करेंगे। पर यार यहां पे एनिमी की क्वीन भी है, स्कैटर शॉट भी है और इनके पास बुढ़ा नहीं है। ओके यहां पे इन्होंने लावालून चालू कर दिया, एक लावा डाल के बलून्स वगैरह डाल दिए, हेडेंटर्स वगैरह डाल दिए, रेड स्पेल डाल दिया। चलो भाई एक फ्रीज भी डाल दिया स्कैटर शॉट के ऊपर। अभी भी 11 बलून्स बच चुके हैं, क्वीन की एबिलिटी यूज कर ली। ओके नाइस गाइज ये तो उड़ गया, ये तो तैयब भाई ने उड़ा दिया इस बेस को गाइज, मजा आ गया ये वाला अटैक देख के। मतलब किंग, आरसी, बुड्ढा और सीसी के साथ इन्होंने पूरा कोर खाली कर दिया गाइज, देख रहे हो पूरा कोर का जो रेक्टेंगल है वो पूरा खाली कर दिया, मजा आ गया भाई साहब। बलून्स और मिनियंस वगैरह भी बहुत सारे बच चुके थे लास्ट में और क्वीन तो जिंदा है ही गाइज। तो ये हो गया गाइज हमारी साइड से तैयब भाई का पहला थ्री स्टार अटैक। अभी हमारी साइड से सारे अटैक्स बचे वो भी देखेंगे, तो एक अटैक में 3 स्टार। तो गाइज यार आप लोग पूछते रहते हो ना सुमित तुम्हारे बालों का क्या राज है, इतने अच्छे क्यों है तुम्हारे बाल, क्या इस्तेमाल करते हो कि तुम्हारे बाल इतने अच्छे। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे मैन मैटर्स। अब हेल्दी बालों के लिए न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि बायोटीन, जिंक, मल्टीविटामिन। मैन मैटर्स हेयर गमीज आर हेयर विटामिन सप्लीमेंट जो कि यमी च्यूएबल गम्स के फॉर्म में है। इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स है जो आपके बालों के लिए फायदेमंद है। तो गाइज इस बॉक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे च्यूएबल गमीज आते हैं, पैकेट के अंदर भी एक छोटा सा पैकेट होता है और दिखने में ये एक छोटा सा गमी है, इसको सिंपली हम लोगों को खा जाना है। बहुत टेस्टी है और इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बालों के लिए फायदेमंद है। ये गमी खाने से आपके बालों की ग्रोथ, आपकी बियर्ड की ग्रोथ होगी, आपके बालों को और थिकर और स्ट्रॉन्गर बनाता है और ये हेयर थिनिंग को भी रोकता है और सबसे बड़ी बात बाल झड़ने से भी ये रोकता है। ये गमी आपके कोलोजन के प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है और बालों को उम्र बढ़ने से रोकता है। और हर गमी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स है पता है, बायोटिन 20x के बराबर, जिंक 20 काजू के बराबर, विटामिन ए 2 गाजर के बराबर, विटामिन सी 2 ऑरेंजेस के बराबर और विटामिन ई 20 बादाम के बराबर। रोज आप लोग यहाँ पे एक गमी कंज्यूम कर सकते हो। यह 100% वेगन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये टोटली शुगर फ्री है, 100% जेलेटिन फ्री है और अगर आपके डेली डाइट में से कोई न्यूट्रिएंट्स मिस हो जाते तो ये गमी वो सारे न्यूट्रिएंट्स को फिल कर देता है। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। ओके गाइस हमारी साइड से सेकंड अटैक आ चुका है, गोहिल लाइव अटैक कर रहा है नंबर 1 के बेस के ऊपर। आओ जरा गोहिल का अटैक देखते हैं। गोहिल सुपर ड्रैगन कर रहा है गाइस, सुपर ड्रैगन तो सुपर सेल ने बर्बाद कर दिया, उसके बावजूद गोहिल यहां पे सुपर ड्रैगन आर्मी के साथ अटैक कर रहा है। 5 सुपर ड्रैगन्स लिए हैं, 6 बलून्स, 3 रॉकेट बलून्स और स्टार्टिंग में फ्लेम फ्लिंगर के साथ ये कंपार्टमेंट खाने की कोशिश करेगा पक्का। ईगल टेक डाउन करेगा यहां से, पर बस वहां पे ना कुछ निकल ना जाए, मतलब स्केलेटन, बॉम्ब, टेस्ला, समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाती है वरना फ्लेम फ्लिंगर के लिए। मेरे को नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ भी है करके।
और इजीली टेकडाउन कर भी लेगा ईगल आर्टलरी को। एक हॉग राइडर भी डाला है ताकि कोई स्केलेटन वगैरह मतलब स्केलेटन ट्रैप वगैरह रहेगा तो वो आ जाएंगे फिर इजीली मार पाएगा, पर था नहीं। चलो अच्छी बात है। चलो भाई गोइल ने 5 सुपर ड्रैगन्स लिए, देखना पड़ेगा भाई 5 सुपर ड्रैगन में क्या ही करेगा भाई ये बंदा, है कि नहीं। पीछे से वैल्यू तो निकाल रहा है, अरे बाप रे ऊपर की साइड से। यहाँ से गोहिल ने टेकडाउन कर लिया एक बिल्डिंग, आई थिंक एयर डिफेंस को टेकडाउन करा है। क्वीन को डिप्लॉय कर दिया, ओके एक बेबी ड्रैगन डाल के 2 सुपर ड्रैगन्स डाल के 3 सुपर ड्रैगन बीच में डाल दिए, बुड्ढे को डाल दिया, बलून्स आ चुके हैं पीछे से। ओके बारबेरियन किंग को भी डिप्लॉय कर दिया और फ्लेम फ्लिंगर नीचे से खा ही रहा है ईगल आर्टलरी को। नाइस फ्रीज स्पेल मैन, 3 बिल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया। नाइस रेज अगेन अगेन नाइस फ्रीज। बुड्ढा से एबिलिटी कब देगा पता नहीं भाई। चलो भाई सही टाइम पे बुड्ढे की एबिलिटी दे दी यहाँ पे गोहिल ने। यहाँ पे एक हेड हंटर किंग के पीछे पड़ गया था लेकिन चलो ठीक है मर गया भाई। सुपर ड्रैगन्स नर्फ होने के बावजूद बंदा यूज कर रहा है फ्लेम फ्लिंगर से जो वैल्यू चाहिए थी उसको वो निकाल ली। बारबेरियन किंग की एबिलिटी दे दो यार, काहे यार काहे भाई। जीरो हेल्थ जब होती है तब एबिलिटी देते, ये सबसे मेरे को बुरी चीज लगती है भाई। किंग की एबिलिटी जब 60% होती है तब अगर आप लोग दे देते हो 60% या 70% पे, तो भाई किंग आपको कितनी वैल्यू निकाल के देगा वो आप खुद देख लेना। मैं हमेशा किंग की एबिलिटी 60-70% पे देने की कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग किंग के साथ मिल जाती है किंग की एबिलिटी के साथ। लेकिन जब आप 0 हेल्थ पे या फिर 5% हेल्थ पे किंग की एबिलिटी देते हो तो वो वैल्यू नहीं मिलती जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अरे बाप रे 2 फ्रीज है क्या गोइल का, ये ट्रिपल हो पाएगा भाई। ये बंदा तो वो आर्मी यूज़ कर रहा है जो अभी बहुत सारे लोग पहले यूज़ करते थे लेकिन अभी तो सुपर सेल ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद भी क्या ये काम करेगी क्या आर्मी? अबे यार ये तो उड़ा ले गया भाई, खतरनाक भाई गोइल खतरनाक है यार। गोइल ने कर दिया गाइस इस वाले बेस के ऊपर सुपर ड्रैगन आर्मी के साथ 3-0। हालांकि सुपर ड्रैगन इसके बचे नहीं है लास्ट तक, हीरोज के साथ क्लीन अप करना पड़ा एंड में। डेंजर है भाई, कर लिया भाई काम कर दिया इस बेस का। तो गाइज हमारी साइड से यहाँ पे 2 अटैक में 2 स्टार हो चुके हैं, क्या बात है भाई मजा आ गया। 2 अटैक में 2 स्टार, सॉरी 6 स्टार, 2 अटैक में 2 ट्रिपल, तो टोटल स्कोर हो चुका है 2 अटैक में 6 स्टार। ओके भाई साहब हमारी साइड से मन्ना यहाँ पे लाइव आ चुका है नंबर 5 के बेस के ऊपर और मन्ना यहाँ पे कर रहा है हाइब्रिड आर्मी के साथ अटैक। अरे बापरे मन्ना हाइब्रिड ही कर रहा है और हाइब्रिड के अंदर यहाँ पे कर रहा है फ्लिम फ्लिंगर का इस्तेमाल। वाओ तो मन्ना यहाँ से टेकडाउन करना चाह रहा है ईगल आर्टलरी क्योंकि ईगल की साइड पे डैमेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो क्वीन को डिप्लॉय कर दिया लगभग 600 क्लॉक पे। चलो भाई मन्ना को इधर से फ्लिंगर से वैल्यू बहुत तगड़ी मिलेगी। टाउन हॉल पता नहीं कैसे लेगा या मेन आर्मी टाउन हॉल पे डालेगा, नो आइडिया गाइज। लेट्स सी मन्ना क्या करेगा। चलो भाई हीलर्स वगैरह डाल दी। ओके नाइस वॉल ब्रेक मैन, भाई सही तो जा रहा है यार इसका क्वीन चार्ज। क्वीन बिल्कुल सही जगह पे जा रही है, अंदर जाना प्लीज, अंदर ही जाएगी क्योंकि साइड में फनल वनल तो प्रॉपर बना ही लिया है। सीसी चुकी है निकल, सीसी में क्या रखा है भाई, हेड हंटर वीच और बेबी इन्फर्नो ड्रैगन। यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन को डिप्लॉय कर दिया। अरे बाप रे बेबी इन्फर्नो क्वीन को मार रहा है भाई, अरे 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 खतरनाक भाई, क्वीन को कुछ कर ही नहीं पाया भाई वो। अरे इधर से हाइब्रिड चालू कर दिया मन्ना ने, अरे बाप रे डायरेक्ट टाउन हॉल पे हाइब्रिड, भाई साहब खतरनाक है भाई ये बंदा। टाउन हॉल के पॉइजन में आर्मी गायब ना हो जाए बस इसी बात का डर है। सिंगल धर लिया भाई क्वीन को, सिंगल पकड़ लिया, एबिलिटी मार दी। शायद बंदे का ध्यान पूरा इधर होगा मेन आर्मी के ऊपर, टोर्नेडो भी उधर ही निकला है गाइस। चलो भाई क्वीन की एबिलिटी यूज होने के बावजूद क्वीन जिंदा बचेगी क्योंकि सिंगल फूट गया। अभी भी एक रेड स्पेल बच चुका है। फ्लिंगर तो भाई क्या ही वैल्यू निकाल के दे दिया भाई, फ्लिंगर खतरनाक है भाई ये फ्लेम फ्लिंगर। फ्लिंगर से हॉक्स निकल चुके हैं बाहर, रेड स्पेल मेन आर्मी के ऊपर डाल दिया था, आरसी एबिलिटी बच चुकी है और एक इनवी भी बच चुकी है। देख के तो लग रहा है कि गाइज ये उड़ गया है, उड़ चुका है ये बेस, दिस इज अ खत्म बेस गाइज, उड़ा दिया भाई मन्ना ने इस बेस को। ओके गाइस तो इसके बाद हमारा स्कोर हो जाता है 3-3 ट्रिपल। चलो भाई ये भी सही है। अभी हमारी साइड से तैयब भाई, सॉरी एजाज भाई अटैक करेंगे फोर्थ अटैक।
उसके बाद फिफ्थ अटैक मैं कर लूंगा, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं एक नई आर्मी के साथ, सॉरी हमारी पुरानी आर्मी के साथ, नई आर्मी नहीं पुरानी आर्मी के साथ। ओके गाइस, यहाँ पे मन्ना का हो चुका है 3-star अटैक, भाई मजा आ गया। 3 में 3 triple, 3 में स्कोर हो चुका है गाइस हमारा 9 stars का। अभी देखते हैं एजाज भाई क्या कर सकते हैं। तो भाई साहब एनिमी की साइड से यहाँ पे एक अटैक में 4 star हो चुके हैं, क्या बात है भाई साहब, हैक वैक लगा लिया क्या एनिमी वालों ने। तो गाइस यहाँ पे एजाज भाई आ चुके हैं, मेरे को पता है एक अटैक में 4 star, सबको पता है कैसे हुए हैं। यहाँ पे देख लो 8 electro dragon, 10 balloon, लेट्स सी इधर क्या किया, एक बेबी ड्रैगन डाल दिया, एक इलेक्ट्रो डाल दिया इस साइड पे। ओके खतरनाक स्पैम आर्मी लेके आ चुके हैं एजाज भाई, यहाँ पे देखते भाई क्या होता है। इलेक्ट्रो ड्रैगन को भाई सुपर सेल ने नर्फ नहीं किया भाई, इलेक्ट्रो ड्रैगन अभी भी चल रहा है हमारे गेम के अंदर, सुपर ड्रैगन को खामखा कर दिया भाई, सुपर ड्रैगन अभी गायब से हो गए गेम के अंदर से, बहुत कम सुपर ड्रैगन का इस्तेमाल मेरे को देखने को मिल रहा है आजकल अपडेट के बाद से, पर फिर भी आज गोहिल ने मार दिया भाई सुपर ड्रैगन यूज करके। आई थिंक गोहिल को पता नहीं है कि सुपर ड्रैगन नर्फ हो चुका है करके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एजाज भाई यहाँ पे अटैक तो तगड़ा जा रहा है भाई, इनके सुपर ड्रैगन देख के मजा आ गया पूरा, मतलब बेस में देखो ना यार एक लीनियर शेप में एक लाइन में आ चुके हैं सारे के सारे हमारे सुपर ड्रैगन, बलून्स लिए थे सारे के सारे एंड इजिली टाउनल को टेकडाउन कर लिया है। यहाँ पे किंग की एबिलिटी, क्वीन की एबिलिटी, आरसी है, एक रेज है, 4 freeze है, क्वीन पागल की बच्ची है भाई, वॉल फोड़ रही है। ओके रॉयल चैंपियन को डिप्लॉय कर दिया, बार्बेरियन किंग की एबिलिटी दे दो यार, क्या कर रहे हो भाई, कभी भी नहीं देनी होती भाई, 0 HP आने के बाद ये लोग एबिलिटी का है देते भाई, समझ नहीं आता यार, तुरंत मर जाता है भाई किंग, वो वैल्यू आ ही नहीं पाती जो वैल्यू चाहिए होती है। ओ माय गॉड ये क्या भाई, क्या था ये, 4 freeze spell का स्वैग मार दिया एंड गाइस दिस इज खत्म ट्रिपल, ये 3 star हो चुका है गाइस, आरसी एबिलिटी बच चुकी है, देंगे क्या एबिलिटी, देंगे क्या, दे दो, अरे एबिलिटी मार दो भाई, लास्ट में मार दी, चलो ठीक है भाई। उफ तो गाइस स्कोर हमारा हो चुका है 4 में 4 triple और टोटल स्कोर जो है हमारी टीम का ये हो चुका है 4 attack के अंदर 12 stars। अभी आखिरी अटैक मेरा बचा हुआ है तो चलेंगे अभी हम लोग हमारे अटैक के लिए। ओके गाइस तो अभी फिलहाल नंबर 3 का ही बेस बचा है और इसी वाले बेस के ऊपर अभी हम लोग करने वाले हैं अटैक। आओ गाइस ये वाला बेस है, इस बेस के ऊपर हम लोग गाइस करने वाले हैं हॉग राइडर के साथ अटैक, लेकिन उसी के साथ हम लोग आर्मी के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं क्वीन का और हीलर्स का। तो भाई टाउन हॉल तो हम लोगों को यहाँ पे इजीली मिल रहा है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं टाउन हॉल के आसपास, तो हम लोगों को अच्छे से क्वीन चार्ज अटैक करना पड़ेगा। तो ये रही गाइस हमारी आर्मी, हम लोगों ने फ्लेम फ्लिंगर भी लेके रखा हुआ है। ओके तो गाइस हम लोग यहाँ पे करने ये वाले हैं कि हम लोग टाउन हॉल को टेक डाउन करेंगे हमारे स्नेकी गॉब्लिन्स के साथ। ओके चलो भाई ठीक है, डाल देंगे बहुत सारे स्नेकी गॉब्स और एक इनविस्पेल, चलो ठीक है स्नेकी स्नेकी आएगा। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे फ्लेम फ्लिंगर को। चलो भाई क्वीन एक बार अगर कंपार्टमेंट के अंदर घुस गई तो वैल्यू भी वैल्यू निकाल के देने वाली हम लोगों को, इधर एक स्नेकी डालते हैं। ओके चलो भाई ठीक है, एक रेज आएगा, यार रेज गलत डाल दिया थोड़ा सा, कोई ना, किंग आ रहा है यहाँ पे क्वीन के ऊपर, एक हेड हंटर आएगा, चलो सही है, लिंगर कर रहा है काम, इसी आ गई, एक फ्रीज, एक रेज, पॉइजन, ओके इनको डालेंगे सारे के सारे हॉक्स, बुड्ढा आरसी, एक अर्ली हिल स्पेल, ओके चलो भाई ठीक है, 2 हेड हंटर्स आएंगे पीछे से,
बुड्ढे की एबिलिटी। ओके चलो भाई, यहाँ पे हील, यहाँ पे एक फ्रीज, क्वीन फ्रीज नहीं हुई यार, कोई ना। ओके इनके ऊपर डैमेज नहीं है तो एबिलिटी देने की ज़रूरत नहीं है। एक फ्रीज यहाँ पे, एक स्नीकी, कम ऑन मैन, बस एक इन भी बच चुकी है हमारे पास। खत्म है गाइस, उड़ गया, उड़ गया गाइस ये वाला बेस। अभी मारेंगे किंग की एबिलिटी, आर से एबिलिटी बच चुकी है हमारे पास। चलो गाइस ये वाला बेस उड़ चुका है और स्वैग करेंगे यहाँ पे हम लोग एक स्पेल का सिर्फ। तो भाई ये वाली वॉर तो जीत गए भाई हम लोग, ये तो परफेक्ट हो गई, 15 स्टार्स हो गए यहाँ पे। सो गाइज ये वाली वॉर हम लोग जीत गए एंड उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत टाइम के बाद हॉग राइडर के साथ अटैक किया, मजा आ गया भाई साहब, हॉग राइडर्स है तो ओपी भाई। सो गाइज टोटल स्कोर हमारा हो चुका है यहाँ पे 5 अटैक के अंदर 15 स्टार्स, और एनिमी के यहाँ पे 2 अटैक्स फेल हो चुके हैं, मतलब हम लोग जीत ही चुके हैं। तो बस गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड हाँ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।